देश में 21 दिनों का बंद घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी जनता से 3 बार मुखातिब होकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात पर प्रधानमंत्री मोदी जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। लोगों से घरों में रहने को कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जब बीजेपी के खुद के नेता प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर अमल नहीं कर रहे तो भला जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीड़ को मास्क बांटते नजर आ रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिस पर विरोधियों ने बीजेपी को अपने नेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ सही ढंग से पढ़ाने की नसीहत दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ट्विटर पर लिखते हैं, मनोज जी ना तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन कर रहे हैं ना ही करवा रहे हैं। आप दिल्ली के सांसद हैं और भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष भी, आपसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन करें और करवाएं। आपके और जनता के मास्क के क्वालिटी में अंतर क्यों? जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, हर इंसान को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। उम्मीद करेंगे कि विरोधियों के चेताने के बाद मनोज तिवारी प्रधानमंत्री की कही बातों पर अमल करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे से पालन करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।